हाय एवरीवन, अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि लंबे समय तक, ज्यादा समय तक कैसे पढ़े, किन बातों के आधार पर हम अपनी स्टडी को एक लंबी स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर सकता है, कोई एक घंटा दो घंटा पढ़ ही सकता है, लेकिन अगर किसी को डेली 9 से 10 घंटे पढ़ना है तो वो किस तरीके से इस 9 से 10 घंटों को मैनेज करे, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई के टाइम को इंक्रीज कर सकता है। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन आधारों पर हम अपने टाइम पीरियड को, स्पेशली जो स्टडी टाइम पीरियड है, उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सी बात कहें तो इसमें बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं वो मेरे अपने अनुभव के आधार पर है, जो भी मैंने समझा और जिस तरीके से मैंने इन विषयों को कवर किया है, तो मैं कैसे मैनेज करता हूं लंबी तैयारी को, किस तरीके से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, कैसे 9-10 घंटे डेली पढ़ा जा सकता है, उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में उन विद्यार्थियों की पहले मदद कर देते हैं जिन्हें अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी कठिनाई आ रही हो। स्पेशल क्लासेस अब कई स्टूडेंट ने हमारे देखे होंगे, अगर ना देखे हो तो हम डेली स्पेशल क्लास ले रहे हैं सुबह 8 से 9 में, संडे के समय भी या मंडे आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासेस को। अगर हम बात करें तो स्पेशल क्लासेस का मतलब एक तरीके की डेमो क्लासेस होती है, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाया जाता है, आप किस तरीके से टीचर से बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, और आप बहुत ही, हम कहेंगे कि इंडिविजुअली आपको फील होगा कि बिल्कुल एक एक व्यक्ति, स्टूडेंट्स पर टीचर का ध्यान होता है, एजुकेटर्स के ध्यान होते हैं, जो कि जनरली ऑफलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता। तो ये डेमो क्लासेस जो स्पेशल क्लास होती है उसमें आप देख सकते हैं। और इस समय 80 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर जुड़ चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी टीम है। आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 एजुकेटर मिनिमम है, आपको चॉइस करना है कि आप किनसे पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटजी भी आपको ही डिसाइड करने में मौका मिलेगा कि आप कितने समय में अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने नए नए कोर्स यहां पर आते हैं, और आप चाहे तो 3-4 महीने 5-6 महीने लगातार 10-10 घंटे क्लास करके भी सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स चल रहा है वो इकोलॉजी और एनवायरमेंट का 5 अक्टूबर तक चलेगा, 6 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे सीसेट, सीसेट के बाद हम इसमें देखेंगे ज्योग्राफी। तो अभी भी आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप 30 सितंबर तक एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो 35,000 का है, एमके रिफर कोड यूज करने पर केवल 31,500 में मिल जाएगा। और वही सब्सक्रिप्शन अगर आप 2 साल के लिए लेना चाह रहे हैं, जो 2021 का टारगेट सोचकर बैठे हैं, उन लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन केवल 50,400 रुपए में मिल जाएगा अगर आप एमके रिफर कोड यूज कर लेते हैं, एमके रिफर कोड यूज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं, तो आप सबसे पहले अनअकैडमी प्लस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना टारगेट तय कर लीजिए। टारगेट आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, यूपीएससी के अलावा भी अगर आप कोई वनडे एग्जाम भी देना चाह रहे हैं तो वो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप यूपीएससी में कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जनरली हमारा सेशन होता है 12 मंथ, इसलिए क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए एक लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है, तो आप उसे कंटिन्यू करने के बाद एमके रिफर कोड को यूज कर सकते हैं, और 10% ऑफ होने के बाद 30 सितंबर तक आप इसे 31,500 में ले सकते हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से फीस रिवाइज होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की, शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक हमने लिया है कि लंबे समय तक तैयारी कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला नियम अपने प्रतिदिन की तैयारी को कई भागों में बांटे। आइए समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमें आज 12 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे का टारगेट हमारा है, मान लो कि हम 10 घंटे का टारगेट लेकर बैठे हैं, तो हम 10 घंटे कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते, ना आप पढ़ सकते, ना मैं पढ़ सकता हूं, ना कोई पढ़ सकता है। इन 10 घंटों को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 भागों में, 6 भागों में,
आप अपने अनुसार इसे ब्रेक करिएगा। जैसे मैं अपने अनुसार अगर कहूं तो मैं इसे 5 भागों में ब्रेक करता। मान लो अगर मुझे 10 घंटे पढ़ना होता, 5 भागों में मैं इसको भी 3 बड़े भागों में कन्वर्ट करूंगा। 3 बड़े भाग का मतलब हुआ सुबह, सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय। सुबह, दोपहर और शाम के समय। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम सुबह अगर उठने की हैबिट ना भी हो तो 7 बजे तो मतलब सभी के लिए, लेकिन अगर आप इससे पहले उठ जाते तो मैं कहूंगा इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता। तो सबसे पहला मैं 7 से 9 और फिर 9:30 से 11:30 दो पार्ट ये बनाऊंगा। फिर हो सकता है मैं 1 से 3 और 3:30 से 5:30 बनाऊंगा। और इसी टाइप में हो सकता है शाम को मैं 7 से 9। बस आप चाहें तो, जैसे किसी व्यक्ति की जॉब है, किसी व्यक्ति की क्लासेस है, कोई व्यक्ति गृहिणी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि सुबह की जगह शाम को 2 स्लॉट, फिर 1 स्लॉट उस समय जब आप बिजी होते हैं। अगर मॉर्निंग में बिजी है तो 1 स्लॉट मॉर्निंग में रखिए, इवनिंग में बिजी है तो 1 स्लॉट इवनिंग में रखिए, दोपहर में बिजी है तो दोपहर में 1 स्लॉट रख दीजिए। जिनको दोपहर में मन नहीं लगता है वो 1 स्लॉट दोपहर में रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बड़े भागों में डिवाइड किया और फिर 5 स्लॉट मैंने बना दिए। हर स्लॉट के बाद मैं एटलीस्ट आधे घंटे का ब्रेक लेता हूं। अब अगर लीजिए कि आपने 6 स्लॉट बना दिए हैं तो मान लेते हैं कि आप 1.5 घंटा 3 बार ले लीजिए, यहां पर 1.5 घंटा दोपहर में ले लीजिए और फिर इसी टाइप से आप बचा हुआ 1 घंटा शाम को ले लीजिए। आप अपने अनुसार स्लॉट बनाइए। जैसे मैं जब लंबी तैयारी करता हूं तो मैं हमेशा ही पहले उस तैयारी को स्लॉट में डिवाइड कर देता हूं। स्लॉट में डिवाइड करने से मुझे पता चल जाता है कि मुझे किन किन समय पर अपनी तैयारी को करना है। तो सबसे पहला स्लॉट डिवाइड करना, यह कोई मैंने कसम नहीं दिला दी कि 2 घंटे का ही, आप 2.5 घंटे का भी कर सकते हैं, यह डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पर। पर जनरली 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने यह आखिरी लिमिट मानी। आप 1.5 घंटे के भी स्लॉट बनाएंगे तो 1.5 घंटे के 6 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। एक बार 3 स्लॉट सुबह के समय, 2 स्लॉट दोपहर के समय, शाम के समय 2 स्लॉट, और आसानी से आप 10 घंटे का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और मैंने बहुत ब्रेक दिया है, 11:30 से लेकर 1.5 घंटे का पूरा ब्रेक है अगर आप इस स्लॉट को भी फॉलो करते हैं, और फिर 5:30 से लेकर 7:30 घंटे का वहां पर भी मैंने ब्रेक दिया है। तो एक बड़े ब्रेक भी है, कुछ छोटे ब्रेक भी हैं। आपको ब्रेक लेने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आप लंबी तैयारी के लिए माइंडसेट बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्टडी में ब्रेक लेने की हैबिट डालिए, क्योंकि इसके बगैर आप ये मान के चलिएगा कि लंबी तैयारी हो ही नहीं सकती है। अब सवाल ये है कि यहां पर इन स्लॉट्स को कैसे डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है। देखना, 1-2 दिन आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक हैबिट इसमें और डालना चाहूंगा कि जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं वह 1 दिन पहले ही तय होना चाहिए कि कल आप क्या करेंगे, और उन 5 स्लॉट में जिन विषयों को आप पढ़ने वाले हैं, उसे 1 दिन, ऐसा कुछ महीने भर के लिए मत तैयार करना। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, क्या होता है जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक बड़ी तैयारी के लिए बड़े टारगेट मत शुरुआत करा करिए, खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये 2-3 दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो पहले कल के टारगेट को डिसाइड करिए कि कल हमें यह करना है। फिर ऐसा चलने दीजिए 1-2 सप्ताह कि केवल अगले दिन का ही टारगेट आप डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आप 1-1 वीक के टारगेट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2-3 महीने तक 1-1 वीक के टारगेट होते तो आप मंथ के टारगेट को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप कल के टारगेट से करिए। केवल अपने आप को दीजिए कि कल का टारगेट है, परसों मुझे नहीं पता क्या होगा। एक बहुत बड़ा बेरियर इसमें आ सकता है कि कई लोगों कहेंगे कि दोपहर में नींद आती है, कई लोग कहेंगे कि हो सकता है कि उनको कंटिन्यूअसली पढ़ते समय कई बार बोरियत होती है। तो इसके 2 उपाय है हमारे पास। सबसे पहले तो दिन भर एनर्जेटिक कैसे रहते, जैसे कि कई स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है फूड हैबिट का। मैंने अपने भोजन की आदतों को बदला है। भोजन की आदत को बदलने का मतलब, मैं खाना 5 बार भी खा सकता हूं पर कभी भी 1.5 रोटी से ज्यादा नहीं, ताकि पेट को फील हो कि उसमें कुछ है, लेकिन कभी पेट को फील ना हो कि वो भर गया है। भरने के लिए नहीं खाना है, केवल और केवल भूख मिटाने के लिए।
आप अपने खाने की हैबिट को बदल सकते हैं। और मेरा सजेशन है कि खाने की हैबिट अगर दो ही टाइम की है तो आप टाइम को एक भी कर सकते हैं और बीच में केवल लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट का मतलब कोई जूस और बड़ी चीजें नहीं कह रहा हूं, आप शुगर, सॉल्ट और नींबू इन्हीं के पानी पर चलना स्टार्ट करिए। दिन भर आपको एनर्जेटिक भी रहेगा और आपकी बॉडी पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। आप मॉर्निंग के समय में आप चाहें तो प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा ले सकते हैं, जिसमें प्रोटीन है दाल जैसे खा सकते हैं, या जिसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उन चीजों को केवल खाते चलिए। बाकी कार्बोहाइड्रेट तो आप शुगर के रूप में भी ले लेंगे तो कोई बुरा नहीं होता। याद रखना है कि आपको हैबिट डालनी है अपने खाने का परिवर्तन। जहां पर भी हमने आपको स्लॉट दिए हैं आप थोड़ा सा खाने की हैबिट में बदलाव लाएंगे। यहां पर एक और बात मैं समझाना चाहूंगा, जिन लोगों से एक एक घंटे का ही स्लॉट हो पाए तो ऐसे लोग फिर एक एक घंटे के तीन स्लॉट जब बनाएंगे तो चार चार और दो या तीन तीन और चार इस टाइप के स्लॉट बना सकते हैं। एक एक घंटे के अगर 10 घंटे की तैयारी है, हर एक घंटे के बाद फिर आप केवल 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। दूसरा जो नियम है, हमेशा ही एक स्लॉट पूरा होने पर, एक स्लॉट पूरा होने पर, एक दो घंटे की पूरी तैयारी होने पर, पूरी तैयारी होने पर, दो घंटे की 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 पूरी तैयारी होने पर आपको आदत डालनी है, आपको आदत डालनी है 15 मिनट से 30 मिनट का ब्रेक। इन 15 से 30 मिनट में अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, इस 15 से 30 मिनट में कंप्लीटली आप अपने आप को तैयारी से आइसोलेट करेंगे। इसका मतलब आप चाहे तो इन 15 मिनट में गाने सुन लीजिए, आप चाहे तो इन 15 मिनट में फोन पर बात कर लीजिए, आप चाहे तो इस 15 मिनट में कहीं पर आप चाहे गैलरी में खड़े हो जाइए और थोड़ा सा नेचर का मजा ले लीजिए, आप चाहे तो इन 15 मिनट तक आंखों को बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। पर इन 15 से 30 मिनट में आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी, कंप्लीटली फ्री करेंगे। जैसे मैं अगर कई बार होता है कि नींद आ रही हो, या फिर कई बार ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम है कि पढ़ने में बोरियत हो रही है, तो हम क्या करते थे कि दौड़ कर आ जाते थे। 15 मिनट तक एक दौड़ लगा दी या 15 मिनट तक थोड़ा सा घर पर ही थोड़ी एक्सरसाइज कर ली कि अपने आप रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती थी। तो ब्रेन को जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बेस्ट होता है सारी चीजें बोरियत की खत्म हो जाती है। तो कई बार 15-30 मिनट का हम एक्सरसाइज भी कर लेते थे ताकि उसके बेसिस पर हम अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर सके। तो काफी फिजिकल वर्क होने के बाद मेंटल वर्क फिर मजा आता है, फिर पढ़ना बेटर होता है। और बिल्कुल भी उसमें शर्माई नहीं कि कभी भी फिजिकल वर्क ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए जिनकी मानसिकताएं तैयारी की नहीं होती हैं। बाकी अगर आप चाहे तो इन 15 से 30 मिनट में बिल्कुल ब्रेक लीजिए। जब बड़े ब्रेक आप ले रहे, 1.5 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, तो हम सजेशन करेंगे कि आप घर के थोड़ी सी काम में मदद कर दीजिए। अगर लगे तो इस 1.5 घंटे में आप चाहे तो बाहर थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाइए, उससे कोई घबराई नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा ब्रेन आप अपने पढ़ाई से डाइवर्ट करते हुए फिर पढ़ाई पर लाएंगे उतना ही पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा और पढ़ पाएंगे। तो पहला है लंबी तैयारी के लिए उसे ब्रेक करना कई भागों में। दूसरा है ब्रेक लेना। ब्रेक लेने की हैबिट बहुत जरूरी है लंबी तैयारी के लिए। आदत डाल दीजिए 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिस समय के बाद आप चाहें उस समय के बाद हमेशा ही एक ब्रेक लेने की हैबिट रखेंगे ही। आप सोचिए ना, हम कक्षाओं में, स्कूल में सुबह 10 बजे जाते थे, शाम को 5-6 बजे तक लौटते थे, लेकिन हमने कभी भी बोरियत नहीं महसूस की क्योंकि ब्रेक होते थे 15 मिनट के, आधे घंटे के। और इसका इंतजार भी करता है दिमाग कई बार कि हम ब्रेक का इंतजार करते हैं और इसी ब्रेक के इंतजार में तैयारी भी बेहतर कर जाते हैं। तो फूड की हैबिट को बदलना है और आपको हमेशा ही 2 घंटे की पूरी तैयारी के बाद ब्रेक लेना ही है। जो तीसरी और बहुत बड़ी अच्छी हैबिट होगी, जब भी आप शाम का टारगेट पूरा कर ले, किसी भी दिन शाम के समय आप 10 मिनट शाम के समय आप अपनी तारीफ करेंगे, शाम के समय आप अपनी तारीफ करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे। बिल्कुल ये करना ही है, ये मजाक लग सकता है आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल हैबिट में लाना इसे। क्योंकि आपने टारगेट अचीव किया है, उस अचीवमेंट का जब तक आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा तब तक आप उसे अगले दिन अचीवमेंट के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे।
इसलिए शाम के समय जब आपने अपने आप को टारगेट को अचीव कर लिया है तो आप कह सकते हैं कि शाम के समय आप चाहे तो छोटा बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि अपनी तारीफ कर दीजिए, आप चाहे तो कुछ अपने आपको जो स्पेशल लगता होगा कोई चीज अच्छी लगती होगी, फिर हो सकता है वो म्यूजिक सुनना हो सकता है, या फिर कोई चीज खाना पसंद हो सकती है, चॉकलेट पसंद हो सकती है, या जो भी आपको कुछ अच्छा लगता होगा कि नहीं मुझे बहुत बढ़िया लगता है जैसे गुलाब जामुन पसंद है, तो मान लीजिए कि आप जैसे ही अचीव कर ले कुछ नहीं 10-12 रुपए का एक गुलाब जामुन अपने ऊपर करिए, ऐसा लगता होगा ये अजीब सा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा आपको। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आप अंदर से ही एक अलग एनर्जी फील करेंगे। तो जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आप अपनी तारीफ करिए और खुद से करिए, किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप की तारीफ भी करिए, आप अपने आप को पुरस्कृत भी करिए, आप अपने आप को कहते चलिए कि हां आज का टारगेट भी बहुत बढ़िया से पूरा हुआ, कल हम फिर इसको टारगेट को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो मोटिवेशन बना रहेगा। तो जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपने टारगेट अचीव कर ले आप अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, आप अपने आप की तारीफ करेंगे, आप अपने आप को कहेंगे कि आप बहुत बेटर चल रहे हैं और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, तो निश्चित ही सफलता बहुत नजदीक है। बहुत आसानी से सप्ताह दो सप्ताह के बाद यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर जन्म लेगा कि अब आप यूपीएससी निकाल देंगे। केवल सप्ताह दो सप्ताह इन चीजों को फॉलो करिएगा, ये रियल लाइफ में अप्लाई हुई सारी बातें बता रहा हूं, किसी किताब या कहीं की किताबों की बातें इसलिए नहीं क्योंकि मैंने जो फील किया उन सारी बातों को मैं बता रहा हूं। सबसे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ही बनाए कीर्तिमान ब्रेक करें। इसका मतलब आज अगर आप 6 घंटे पढ़ पाए हैं तो आप अपने आप से कहेंगे कि निश्चित ही कुछ भी हो 6 घंटे 1 मिनट ही सही लेकिन मैं 1 मिनट को ब्रेक करूंगा ही। इस कीर्तिमान में ये 1 मिनट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस कीर्तिमान में ये इंपॉर्टेंट हुआ कि आपने अगले दिन भी 6 घंटे की तैयारी कर ली है। इसलिए अपने कीर्तिमान ब्रेक करने की आदत, जैसे आपने सोचा था कि आज आपने 10 घंटे बिल्कुल टारगेट पूरा किया है तो अब आप कल के लिए जो प्लान करेंगे वो सोचेंगे कि निश्चित ही 6 घंटे 2 मिनट का ही क्यों ना हो लेकिन ब्रेक तो करूंगा मैं, 6 घंटे 5 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 45 मिनट, और सोचिए कि कितना ब्रेक कर सकता हूं। ये धीमे धीमे जो आप अपने अचीवमेंट को ब्रेक करते हैं, धीमे धीमे जो भी आपने प्राप्त किया है, अपने आप को ही चैलेंज करिए, खुद से ही अपने आप को चैलेंज करिए खुद से कि आज मैंने इतना पढ़ा है कल मैं और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो पहले लक्ष्य डिसाइड कर दीजिए कि क्या पढ़ना था, कितने घंटे आज आपने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग अगले दिन का टारगेट डिसाइड होगा कि अगले दिन आप इसे कितने समय में पूरा करने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो जो आज आपने अचीव किया है कल उसको ब्रेक करने की आदत बनाएंगे। हो सकता है ब्रेक ना हो, उतना ही पढ़ लिया जाए, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके अगले दिन फिर सोचेंगे कि नहीं आज तो ब्रेक होगा ही, फिर उसके अगले दिन सोचेंगे कि नहीं आज तो ब्रेक करेंगे ही। हो सकता है कि फिर एक टारगेट ब्रेक होगा, फिर नया टारगेट, फिर एक और टारगेट ब्रेक होगा, फिर नया टारगेट। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आप कंस्टेंटली मतलब एक नियमित रूप से अपने टारगेट को बेहतर तरीके से पूरा करना सीख चुके हैं। मैं बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है, इसमें भी सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है, और जैसे जैसे आप इसमें अपने आप को आगे बढ़ाते चलेंगे एक कंफर्ट जोन आपके पास आएगा जब आपको यह तैयारी बहुत ही आसान लगेगी। अब एक छोटी सी बात मैं यहां पर जो बताना चाहूंगा कि जैसे कई बार डीमोटिवेशन भी आ सकता है, हो सकता है कि कई बार डीमोटिवेशन आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कि 5 दिन 6 दिन के बाद डीमोटिवेशन आ जाए तो मैं सजेशन दूंगा कि आप क्या कर लीजिए कि 6 दिन 7 दिन के बाद या तो पूरा ब्रेक ले लीजिए या फिर किसी दूसरी जगह पर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई गार्डन होगा, कोई लाइब्रेरी होगी जो गवर्नमेंट है, या कहीं पर भी आपका कोई फ्रेंड रहता होगा वहां पर आप 5-6 घंटे पढ़ने के लिए चले जाए। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऐसे 7-8 दिनों में किसी दूसरी जगह पर जाकर पढ़ते हैं तो हमें हमारी जो पुरानी सारी बातें हैं
जो उस चीजों का इंपॉर्टेंस था जो पिछले छह दिनों से हमें लग नहीं रहा था वो फील होता है। और इसलिए लंबी दूरी कह रहा हूं, 5-6 किलोमीटर दूर इसलिए कह रहा हूं, खेतों में चले जाइए 5-6 किलोमीटर इसलिए क्योंकि वापिस आने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो दिमाग सरेंडर करके कहेगा कि अब पढ़ लेते हैं। इसलिए जब आपको फील हो, जब आपको फील हो कि 5-6 दिनों के बाद, 7-8 दिनों के बाद बोरियत हो रही है, मोटिवेशन कम हो रहा है, तो लाइब्रेरी में चले जाओ, बहुत दूर की लाइब्रेरी में, या आपको लगे तो गार्डन में चले जाओ, खेतों में चले जाओ, पर निश्चित ही 7-8 दिन के बाद आपका मोटिवेशन फिर इंक्रीज होगा और एक दिन आप कहीं और बिताएंगे तो फिर आपको अगले दिन उसी टाइप की एनर्जी मिलेगी, अगले दिन आपको उसी टाइप का फिर से एक नया शुरुआत मिलेगी, आप फील करेंगे कि हाँ अब हम बिल्कुल वैसे ही शुरुआत कर रहे हैं जैसे हमने पहले की थी। तो ब्रेक भी दे सकते हैं आप चाहे तो कंप्लीटली कि आप कुछ भी नहीं करेंगे उस दिन, या फिर अगर आपको लगता है तो आप अपने जो 5-6 दिनों के बाद की तैयारी होगी वो कहीं दूरी पर जाकर कर सकते हैं, कहीं पर लंबी दूरी जाकर घूम फिर कर आ सकते हैं, वो भी एक अच्छा गैप हो सकता है। तो जब भी डिमोटिवेशन होता है आप उस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को ब्रेक करिए ताकि आप अपने आप को फिर से उसी जगह पर उसी तैयारी में ला सकते हैं। एक आखिरी पॉइंट के रूप में मैं समझाना चाहूंगा कि अपने पढ़ाई का स्थान निश्चित कर दीजिए, पढ़ाई का स्थान, जो स्टडी का प्लेस है वो स्थान फिक्स कर दीजिए। फिक्स कर दीजिए मतलब बिस्तर पर मत पड़िएगा, क्योंकि कई बार हमारा जो इन्वायरमेंट है हम पर डोमिनेंट हो सकता है और हमें उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करनी पड़ जाती है। तो पढ़ाई का एक निश्चित प्लेस बना दीजिए, जैसे आपका कोई कमरा हो सकता है, छत हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, पर वो कभी बिस्तर नहीं होगी, क्योंकि जब आप एक ही जगह पर बार बार पढ़ने पर फोकस करेंगे, या मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि आपने अगर अपने लिए एक स्टडी रूम जैसा माहौल बना के रखा है तो आप जब भी वहां जाएंगे तो आपको अपने आप ही पढ़ाई का सेंस आएगा, अपने आप ही आपको फील होगा कि हाँ उस जगह पर पढ़ने पर हमें जैसे ही उस कुर्सी पर बैठते हैं, उस जगह बैठते हैं तो पढ़ने का अपने आप ही मोटिवेशन आता है। तो आप अपने पढ़ाई की जगह को डिसाइड करिए, कहीं जगह पर इधर उधर पढ़ने की जगह पर एक प्लेस फिक्स कर दीजिए। हां जैसे 10 घंटे के स्लॉट में आप एक हाथ बार हो सकता है उस जगह को बदलकर कहीं और पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि बिल्कुल 10 घंटे वहीं पर, 2-3 घंटे आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हैबिट डालनी है कि एक प्लेस ऐसा हो जहां पर आप अपनी पढ़ाई को सबसे ज्यादा टाइम पढ़ते हुए उसी जगह मिलते हैं। तब हम कहेंगे कि धीमे धीमे आपका प्लेस भी डिसाइड होगा, टाइम भी डिसाइड होंगे, माहौल भी डिसाइड होगा और आप अपने टारगेट को उसके अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी बातों को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं सबसे पहले अपने प्रतिदिन की तैयारी को कई भागों में बांटेंगे, जैसे कि मैंने डिवाइड करके दिया है लंबी तैयारी के लिए। दूसरा, हमेशा ही एक दिन पहले ही आप डिसाइड करेंगे कि कैसे पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, कौन से विषय होंगे, और 15 मिनट का ब्रेक हैबिट डालेंगे कि हर 2 घंटे की पूरी तैयारी के बाद 15 मिनट से 30 मिनट, अगर 1 घंटे आए तो 15 मिनट, 2 घंटे तो 30 मिनट का ब्रेक दो, और उसे कागज पर मेंशन जरूर करो, कागज पर पेपर पर मेंशन करो कि आपने 2 घंटे कौन से पढ़े थे, क्योंकि जब आप किसी डायरी पर मेंशन करते हैं कि आपने इन 2 घंटे पढ़ा था तो ब्रेन को और कॉन्फिडेंस होता है कि हम फिर से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट भी ब्रेन को बताने जरूरी होते हैं, तब जाकर हम अगली बार के लिए फिर मोटिवेट हो पाते हैं। शाम के समय जब टारगेट अचीव हो जाए तो अपनी तारीफ करिए, जो आपको पसंद हो वो करिए, अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश करिए, अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको लगता है 6-7 दिनों के बाद बोरिंग हो रहे हैं तो आप ब्रेक कर दीजिए या फिर आप कहीं दूर जाकर पढ़ लीजिए, या फिर हम अगर एक सिंपल सी बात करें तो पढ़ाई का जो स्थान है उसे फिक्स करिए। मैक्सिमम टाइम आप जिस जगह पर पढ़ते हैं वहीं से शुरुआत करिए, तो आप खुद फील करेंगे कि एक समय के बाद, ज्यादा नहीं 10-12 दिनों के बाद ये परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अंत में, हमेशा ही एक छोटी सी डायरी, 5-10 रुपए की एक छोटी सी डायरी लीजिए और उसमें तारीख लिखिए, और तारीख मेंशन करने के बाद आपने किस समय उस तारीख में पढ़ा था वो जरूर लिखिए, किस समय आपने उसमें पढ़ा था, मान लो 8:10 से लेकर 9:40 तक पढ़ा था, तो वहां जरूर लिख दीजिए कि आपने 1.5 घंटे की तैयारी यहां की थी,
या आपके जो दिन प्रतिदिन के टारगेट हैं ये महीने भर के बाद महीने का टारगेट हो जाएंगे और आपको फील कराएंगे कि आप एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी प्रतिदिन की लड़ाई है। याद रखो, कोई युद्ध हो, यूपीएससी की तैयारी हो या जीवन हो, लक्ष्यों को तो वही अर्जित कर पाया है जो प्रतिदिन लड़ा है। तो आदत डालनी है प्रतिदिन लड़ने की, आदत डालनी है प्रतिदिन टारगेट अपने पूरे करने की, आदत डालनी है अपने रिकॉर्ड प्रतिदिन ब्रेक करने की। यही आपको लंबी तैयारी में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होती चली जाएगी। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।